हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में मैं CAPF पेपर 2 के ऑनलाइन टेस्ट पेपर 19AC09 के ग्रामर का डिस्कशन करूंगी। इसमें पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। शॉक्ड ऑफ फाइंडिंग एन अननोन पर्सन द आर्मी ऑफिसर ब्रिस्कली कॉट होल्ड ऑफ हिम। इसमें ऑफ की जगह एट आएगा। प्रेपोजिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ही एज वेल एज आई am wrong, तो यहाँ am की जगह is होगा। दो रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग लिख सकते हो, मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी। वो रूल ये है कि जब दो सब्जेक्ट with, along with, together with, like, unlike, including, excluding, as well as, rather than, accompanied by, ये सब से जुड़े रहते हैं, तो आपका जो verb होता है ना वो first subject के according लगता है। तो he के according is लगा है। अब आप लोग इसको was मत कर देना, क्योंकि am present में है, इसीलिए आप यहाँ पर is लगाओगे। क्लियर। अब एक और रूल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब दो सब्जेक्ट और इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होते हैं, तो आपका जो वर्ब है सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। ओके, तो ये दो रूल आपस में थोड़े बहुत रिलेटेड है, इन द सेंस कि जो फर्स्ट रूल मैंने बताया कि जब दो सब्जेक्ट विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, लाइक, अनलाइक, अकॉम्पनीड बाय, रादर देन से जुड़े हैं, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, और दूसरे वाले रूल में वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। जैसे कि इधर ही और आई डैश रॉन्ग। अब दो सब्जेक्ट आपका किससे जुड़ा है, इधर और ऑल से जुड़ा है, तो आपका वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट होगा, एम। गॉट इट। मगर जब दो सब्जेक्ट विद, अलॉन्ग विद से जुड़े होते हैं, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल स्टेज विथ हिज पेरेंट्स इन द रेलवे क्वार्टर। इसमें क्वार्टर नहीं होता है, यहाँ पर क्वार्टर्स होगा। अगर आप क्वार्टर लिखते हो तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, मगर यहाँ पर अगर एस लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाता है आपका घर। जैसे पुलिस हेड क्वार्टर्स बोलेंगे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स बोलेंगे। द कमिटी इज कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स। अब ये जो कंसिस्ट वर्ड है, इससे एक एरर पूछा जाता है, वो मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि इसमें वो एरर नहीं है। कंसिस्ट हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है, और कॉम्प्राइज अपने साथ हमेशा ऑफ नहीं लेता है, कभी भी ऑफ नहीं लेगा, और कंसिस्ट हमेशा ऑफ लेगा, ये चीज याद रखना। इसमें प्रॉब्लम है इज की, यहाँ पर इज नहीं होगा। अगर आप लिखते हो द कमिटी इज कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स, तो इज कंसिस्टेड पैसिव वॉइस हो गया, जबकि कंसिस्ट करने का काम कमिटी कर रहा है। पैसिव वॉइस में हमेशा नॉन डूअर पहले आता है, और एक्टिव वॉइस में हमेशा डूअर पहले आता है। तो कंसिस्ट करने का काम कौन कर रहा है, कमिटी कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस में होना चाहिए इसको, राइट? तो इसीलिए यहां पर इज हट जाएगा। द कमिटी कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू शुड नॉट हैव डिड इट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, डिड की जगह डन होगा। एक रूल है वर्ब वर्ब एडजस्टमेंट का रूल। वर्ब वर्ब एडजस्टमेंट का रूल कहता है कि जब दो वर्ब एक दूसरे के नज़दीक में आता है, तो दोनों को एडजस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ही विल वेंट, अब ये सेंटेंस साफ साफ गलत है, सभी को पता चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्ब जो आपस में नज़दीक में आ रहे हैं, एक दूसरे से एडजस्ट नहीं किया गया है। विल जो है एक मोडल है, और मोडल के इमीडिएटली बाद यदि कोई वर्ब आ सकता है तो सिर्फ तीन है, वो है बी वन, हैव और बी। सिर्फ ये तीन वर्ब्स हैं जो मोडल्स के इमीडिएटली बाद आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी वर्ब नहीं आएगा, फाइन। और वेंट क्या है, वी टू है, गो, वेंट, गॉन, ये वी टू है, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर क्या होगा, गो। वैसे ही 3H है, 3H का मतलब हैव, हैव हैड, इसके इमीडिएटली बाद यदि कोई वर्ब आ सकता है वो V3, had और been। इन तीन के अलावा कोई और वर्ब नहीं आ सकता 3H के बाद। has, have, had के इमीडिएटली बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो ये तीन आएगा। अब सपोज आपने लिखा he has go, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आप 3H के बाद V1 रख रहे हो, जो कि गलत है। he has gone, V3 रखना पड़ेगा। अब आपको समझ में आया गलत क्यों है, क्योंकि हैव के बाद क्या आ रहा है, वी टू आ रहा है, डू,
डू जो है वो वी वन है, डिड है वो वी टू है, और डन है वो वी थ्री है, इसीलिए गलत है। हाफ के बाद वी थ्री आना चाहिए और हाफ के बाद यहाँ पर वी टू है, तो गलत हो गया। फाइन, तो इसीलिए डिड की जगह डन होगा। अब वैसे ही है, एक और चीज बता दूं, थ्री डी, थ्री डी का मतलब डू डज डिड, इसके इमिडिएटली बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो वो वी वन और हैव आएगा, इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं आ सकता। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, रीराइट करना है, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है तब भी आपको रीराइट करना पड़ेगा। तो पहला है चेंज द वॉइस, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। जब भी वॉइस में बदलना होता है, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। अगर कोई टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो आप समझ जाओ कि वो एक्टिव वॉइस में। इसके लिए टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, टेंस के स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, और यदि कोई टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस है, और ये साफ पता चल रहा है कि ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है और आपको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस से। जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हो या पैसिव से एक्टिव वॉइस में बदलते हो, तब आप पहली चीज़ ये याद रखना कि आप कभी भी टेंस और टाइम चेंज नहीं करोगे, नो चेंज। सेकेंड चीज़ याद रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा वी थ्री यूज होता है। हमारे पास पांच तरीके के मेन वर्ब है, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव। वी वन गो, वी टू वेंट, वी थ्री गॉन, वी फोर गोइंग, वी फाइव गोज। वी फोर में आईएनजी लगता है, वी फाइव में एससीएस लगता है। तो हमारे पास पांच तरीके के वर्ब्स हैं, मगर पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही तरीके का वर्ब आता है, वो है वी थ्री। थर्ड याद रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आता है, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। चौथी चीज याद रखना कि पैसिव वॉइस में कभी भी 3D का यूज नहीं होता है, 3D का मतलब डू डज डिड। पांचवी बात याद रखना कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव वॉइस करते हो तो आप कभी भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस चेंज नहीं करोगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा, अगर इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव होगा। स्पीच में चेंज होता है, स्पीच में आपका डायरेक्ट स्पीच में चाहे इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, पॉजिटिव हो, कुछ हो, आप हमेशा उसको पॉजिटिव सेंटेंस में बदलोगे, इंटरोगेटिव भी पॉजिटिव सेंटेंस में बदल जाता है। अब हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहली चीज़ है पैसिव वॉइस में वी थ्री यूज होता है, तो फॉरगेट का वी थ्री क्या है, फॉरगॉटन, इसको हमने लिख दिया। उसके बाद आपको अच्छे से पता है ऑब्जेक्ट इधर चला जाता है, तो मैंने दोज हैप्पी डेज इधर लिख दिया। अब दोज हैप्पी डेज यहाँ पर आ गया, फॉरगॉटन यहाँ पर आ गया, और आई है वो उधर चला जाएगा, तो बाय मी यहाँ पर आ गया। अब आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब आपको यहाँ पर दिख रहा है वो ऑक्सिलरी वर्ब आप यहाँ पे लगा दो, शैल लगा दिया, दोज हैप्पी डेज शैल फॉरगॉटन। अब मोडल्स के इमीडिएटली बाद वी थ्री नहीं आता, ये अभी हमने बात की थी, आप देख सकते हो यहाँ पर मोडल्स के बाद हमेशा वी वन आता है, कभी भी वी थ्री नहीं आता है। इसका मतलब ये है ये दो वर्ब के बीच में हमें एक और वर्ब लगाना पड़ेगा जिसके इमीडिएटली बाद वी थ्री आ सकता है। ओके, तो बी ई के बाद आपका वी थ्री आ गया, दोज हैप्पी डेज शैल बी फॉरगॉटन बाय मी। अब यहाँ पर एवर लिखा है, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, तो आप देख रहे हो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये तो मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया है, अब मुझे इसको इंटरोगेटिव करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम कभी भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस चेंज नहीं करते। अब इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, ये शैल को पहले ले लो, शैल दोज हैप्पी डेज बी, अब एवर लिख दो, एवर लिखा था ना, यहाँ पे एवर है तो ये एवर भी आ जाएगा, बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, और ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होता है या नेगेटिव भी सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में, आप उसको पॉजिटिव बना के पैसिव वॉइस कर दो, फाइन, जैसे कि मैंने किया। अब उसके बाद इसका इंटरोगेटिव बना दो, सभी को पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, शैल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। नेक्स्ट है चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इट इज नॉट लाइकली दैट ही विल फेल।
तो हमें अफर्मेटिव में बदलना है, इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में बदलना है. तो ऑब्वियसली पॉजिटिव सेंटेंस में हम बदलेंगे तो ये नॉट हट जाएगा. उसके बाद हम नॉट हटाने के बाद इस फेल का हम ऑपोजिट बना देंगे. इट इज लाइकली दैट ही विल पास. तो अब आप देख लीजिए मैंने मीनिंग भी चेंज नहीं की है. हंगर इज द बेस्ट सॉस, चेंज इन टू पॉजिटिव डिग्री. बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? गुड. अब इसका कीवर्ड क्या है? एज एज. ये मेन कीवर्ड है पॉजिटिव डिग्री का. तो एज एज लगा दिया, एज एज हंगर. अब फिर मैं यहां पर लिखूंगी नो अदर सॉस इज एज गुड एज हंगर. अगर लिख रहा है हंगर इज द बेस्ट सॉस, इसका साफ मतलब है कि हंगर से अच्छा कोई भी सॉस नहीं है. तो इसीलिए मुझे यहां पर नो अदर लगाना पड़ा. तो पॉजिटिव डिग्री का मेन कीवर्ड एज एज है, और अगर और कोई कीवर्ड लगाना है तो वो नो अदर भी लगा सकते हो आप लोग. फाइन. नेक्स्ट है 5 years old बॉय वन द कॉम्पिटिशन. इसमें प्रॉब्लम एस की है, यहां पर एस नहीं लगेगा. अ 5 year old बॉय वन द कॉम्पिटिशन होगा. अब रीजन क्या है? अगर सपोज मैं लिखती हूँ अ 2 rooms flat, तो अब आप बताइए ये यहाँ पर एस सही है कि नहीं. अगर जिसको लगता है एस सही है क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रूम्स होना चाहिए, राइट? प्लूरल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2 है, ऐसा लग रहा होगा. मगर ये जो एस है ना वो गलत है. रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे बोल रहा है कि अ फ्लैट, एक फ्लैट कैसा? 2 room का. तो ये एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव का हम कभी भी प्लूरल नहीं करते हैं. जैसे बैड है एडजेक्टिव, तो बैड को बैड्स करते हो. केयरफुल एडजेक्टिव है तो केयरफुल को केयरफुल्स करते हो? नहीं करते हो. एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं. तो अगर कहीं पर आपको एडजेक्टिव दिख रहा है और उसका प्लूरल बन रहा है तो वो गलत है. अब जैसे कि 5-star hotel, अब आप लोग हमेशा बोलते हैं ये 7-star hotel है, ये 5-star hotel है. कभी दिमाग में आपके नहीं आया कि 5 लिखा है तो यहाँ पर स्टार्स होना चाहिए, 5-star hotel? नहीं बोलते हैं ना हम लोग. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक होटल की बात कर रहे हैं. कैसा? 5-star. तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है. अब जैसे आप लोग बोलते हैं ना 5-year plan, अब तो 7-year plan है, 5-year plan. तो 5-year plan में 5 years क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये एडजेक्टिव है. एक प्लान कैसा? 5 साल का, पंचवर्षीय योजना. तो इसीलिए यहाँ पर देखो, एक लड़का, अ बॉय, कैसा? 5 साल का. तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव. पोस्चर इज इम्पॉर्टेंट इन बॉडी लैंग्वेज. क्वेश्चन टैग बहुत बहुत आसान है, फिर भी स्टूडेंट्स लोग बहुत गलतियाँ करते हैं. अब देखो, मेन इंस्ट्रक्शन में था कि रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, तो आपको रीराइट करना है. अब मैंने रीराइट कर दिया, अब मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है. तो क्वेश्चन टैग में हमेशा याद रखना 3 component होते हैं. पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा प्रोनाउन, और तीसरा क्वेश्चन मार्क. ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज करोगे? जो स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी वर्ब है वो ही ऑक्सिलरी वर्ब आप यहाँ पर यूज करोगे. प्रोनाउन कौन सा यूज करोगे? जो यहाँ पर प्रोनाउन है वो ही प्रोनाउन यहाँ पर यूज करोगे. अगर प्रोनाउन नहीं है तो फिर नाउन यहाँ पर जो है उसका प्रोनाउन बना के यूज करोगे. तो पोस्चर का प्रोनाउन क्या होगा? इट होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क दे दिया. अब यहाँ पर अगर आपको नॉट नहीं दिख रहा है तो फिर यहाँ पर नॉट लगेगा, मगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में. तो अब देखिए, पोस्चर इज इम्पॉर्टेंट इन बॉडी लैंग्वेज, तो होगा आपका आंसर इजंट इट. इज कहाँ से लिया? ये स्टेटमेंट से लिया. इट कहाँ से लिया? पोस्चर से लिया. पोस्चर नाउन है तो नाउन तो आप क्वेश्चन टैग में लगा नहीं सकते, तो पोस्चर का प्रोनाउन क्या होगा? इट. यहाँ पर नॉट नहीं है तो हमने नॉट लगा दिया, मगर नॉट हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ईट टू लिव, चेंज इन टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो इसका होगा वी ईट सो दैट वी मे लिव. मैंने जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं उसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड बहुत अच्छे से समझाया है. यहाँ पे मैं ब्रीफली समझा देती हूँ. जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें कभी भी आपका कंजंक्शन नहीं लगता है. जैसे ये वाला सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है. कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें आपका फैन बॉयज का कंजंक्शन लगता है.
फैन बॉयज का कंजंक्शन लगता है, एफ फॉर फॉर, फॉर का मतलब बिकॉज, एंड नॉर बट और येट सो, सिर्फ सो, सो दैट नहीं, ओके. और इसके अलावा आपका पेयर कंजंक्शन भी होता है, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड, फाइन. इसके अलावा जितने भी कंजंक्शन है वो सारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. तो मैंने यहाँ पर सो दैट लिख दिया, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ओके. अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने मे की जगह कैन लगाया है तो वो गलत है. रीजन ये है, सो दैट का पेयर हमेशा मे होता है. दूसरी चीज, आप माइट भी लिख सकते हो, मगर ये जो ईट है प्रेजेंट है इसीलिए मैंने मे लिखा है. अगर एट होता तो फिर मैं माइट लिखती. तो सो दैट का पेयर मे और माइट होता है. ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है, और हमने मीनिंग भी नहीं चेंज की है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. नेक्स्ट है, द लाइट गो आउट व्हाइल आई हैव टी. इसमें आपको, अगर आप हिंदी करोगे तो आपसे हो जाएगा. जब हम टी ले रहे थे, जब हम चाय पी रहे थे, तो लाइट चली गई, ओके. तो यहां पर हैव का वॉज हैविंग होगा, आप पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखोगे, और गो का वेंट होगा, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट. द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वॉज हैविंग, ही वॉज रूड टू से दैट. तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमें इट से शुरू करना है, इट वॉज रूड ऑफ हिम टू से दैट. बहुत कम कैंडिडेट्स ने इसको सही किया है. सुरेश इंक्वायर्ड इफ एवरी वन हैड अराइव्ड, चेंज द नरेशन. ये वाले सेंटेंस में आपको कोई भी डबल कोट नजर नहीं आ रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है. अब आपको इसको डायरेक्ट स्पीच में करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका डबल कोट होना चाहिए. इंक्वायर्ड पास्ट है, तो आप सेड लिखोगे डायरेक्ट स्पीच में, और कॉमा दोगे, और फिर डबल कोट्स. इफ एवरी वन हैड अराइव्ड और इंक्वायर्ड, ये दोनों से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव में है. इंक्वायर कर रहा है तो इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा डायरेक्ट स्पीच, इसके बाद हमने इनडायरेक्ट स्पीच में इंक्वायर्ड लिखा है, ठीक है. दूसरी चीज हैड अराइव्ड है, ये पास्ट परफेक्ट है. हर हालत में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप इसको इस तरह से करोगे. डिड एवरी वन अराइव, अराइव क्यों लिखा है, क्योंकि 3D के इमीडिएटली बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वी वन आता है, क्वेश्चन मार्क पुट करो और फिर डबल कोट. तो अब आप इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, तो यही करेंगे, सुरेश इंक्वायर्ड, ओके. अगर आपका कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, तब आपका कनेक्टर इफ या वेदर लगता है, फाइन. और फिर उसके बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगा के इसको इंटरोगेटिव बनाना है. तो जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच आता वो इजी होता है, मगर जब इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच आता थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें फिर देखनी होती है. दे टुक हिम फॉर अ मैड मैन, वॉइस का मैंने सारी चीज़ें बता दी है. ये वाला जो सेंटेंस है इसका चेंज करना है आपको, वॉइस फॉर अ मैड मैन का नहीं करना है. ये वाला जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में, तो आपको पैसिव वॉइस में बदलना है. तो पैसिव वॉइस में आपको पता है हमेशा V3 यूज होता है, V3 यूज कर दिया, उसके बाद हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है. तो ये पास्ट है तो मुझे पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ेगा, वॉज. हिम जो है वो इधर पे आकर ही बन जाएगा, ही वॉज टेकन फॉर अ मैड मैन. और बाय वाली चीज है ना हमेशा लास्ट में लिखना, फॉर अ मैड मैन बाय देम. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन वेयर एवर नेसेसरी. इन्वॉल्व अपने साथ हमेशा प्रेपोजिशन इन लेता है. एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है वेयर एवर नेसेसरी, इसका मतलब है हो सकता है कि कोई ऐसा ब्लैंक हो जिसमें प्रेपोजिशन की जरूरत ही ना हो, फाइन. तो ये चीज आपको देखनी होगी. ही इज कॉन्शियस, कॉन्शियस अपने साथ प्रेपोजिशन ऑफ लेता है. व्हाट इज द की, की का मतलब यदि सोल्यूशन है तो ये अपने साथ हमेशा प्रेपोजिशन PO2 लेता है. डू नॉट जज अ थिंग बाय इट्स अपीयरेंस, बाय होगा. डू नॉट डिस्कस, डिस्कस कभी अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है. डू नॉट डिस्कस द मैटर, ओके. Use the following words and phrases in sentences of your own so as to bring out their meaning clearly. Taken aback का मतलब होता है एकदम surprise हो जाना. तो मैंने जो model answer में दिया है sentence वही बता देती हूँ. We are taken aback when respected political leaders are caught cheating. Next है pull up. Pull up के वैसे कई मतलब होते हैं, मगर एक मतलब ये होता है गाड़ी को रोकना. He pulled up outside his house. इसका मतलब या तो वो खुद रुक गया या तो गाड़ी को रुक दिया.
वेयर अवे का मतलब होता है फेड कर जाना. द वेव्स आर वियरिंग अवे द रॉक. लेट ऑफ का मतलब होता है किसी को बख्श देना, छोड़ देना. शी वॉज लेट ऑफ विद अ वार्निंग. ले ऑफ का मतलब होता है जॉब से निकालना. द कंपनी लेड ऑफ सेवरल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज. ओके, और अनाउंसमेंट ये है कि जिसने भी टेस्ट पेपर लिया विद इवैल्यूएशन और वो किसी कारणवश मुझे नहीं दे पा रहे अपने आंसर्स, तो आप मुझे रिक्वेस्ट मेल भेजिए उसी पेपर का मॉडल आंसर्स के लिए. पेनड्राइव स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपके पास कोई भी टेस्ट पेपर का मॉडल आंसर नहीं है तो आप मुझे मेल सेंड करेंगे कि मुझे, मेरे पास इस पेपर का आंसर नहीं है, तो भेज देने के लिए. और जिस कैंडिडेट ने मेरा टेस्ट पेपर खरीदा है, ऑनलाइन पेमेंट किया है, मगर वो पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी मुझे मेल करके इन्फॉर्म करें, मैं उनको वही टेस्ट पेपर के आंसर्स को मेल कर दूंगी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.